हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं शामिल और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल है। इसको आप आसानी से याद रख पाओगे। देखिए, ये नाम ही बताता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अभी आप आगे जैसे वीडियो बढ़ेगा ऐसे आप समझ जाओगे कि कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे ही प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन को आप इजीली अपने वर्ड्स में खुद डिफाइन कर सकते हो। आपको इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जो बहुत इजी है, और इस वीडियो में तो और भी इजी हो जाएगी। मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख के भी बताया और आपको मैं कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर करवा देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि यह 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंदर जो भी जो जो कंडीशन अटैच्ड है वो भी हम देखेंगे, और उसका एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट में हम एग्जांपल देखने वाले हैं, वो एग्जांपल आप समझ लोगे एग्जाम में या कहीं पे भी, वो एग्जांपल भी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो सामने वाले एग्जामिनर को आपका माइंडसेट मालूम हो जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। और एग्जाम्पल 2 मिनट में आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। तो पहले हम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, तो आपको पता ही होगा मेरे हर वीडियो में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। इससे क्या होता है, देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा ना तो आप आगे बुक में कुछ भी लिखा होएगा ना, ये अभी जो मैं भी बता रहा हूँ वही नहीं, आप कहीं पे भी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आया और वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा ना, आप अपने आप क्या करोगे उसको समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कभी कभी रहता है ना कि कोई वर्ड हमको बीच का मालूम नहीं रहता है बट पूरा सेंटेंस है तो हम उसमें क्या करते हैं, वर्ड को फिट कर देते हैं। उसी तरह अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा तो आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आएगा तो आप अपने आप उसको फिट करके अपने आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आप कहीं पे भी पढ़ोगे, कहीं पे बुक में, नोट्स में, कहीं पे भी, तो आपको क्या होएगा, इजीली आप उसको याद भी रख पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या। तो देखिए, नाम ही बताता है कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? कंट्रीब्यूशन, तो देखिए कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूशन यानी क्या, कुछ भी चीज़ को क्या करना, कंट्रीब्यूट करना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ये जो कंट्रीब्यूशन है उसमें क्या है कि ये जो एक इंश्योर्ड होता है यानी कि इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास से इंश्योरेंस लेता है। तो मान लीजिए इसने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के पास से इंश्योरेंस ली हुई है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी। तो अभी इसने जो इंश्योरेंस ली हुई है उसमें देखिए कंडीशन तो रहेगी और वो कंडीशन हम आगे देखने वाले। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है क्या। तो ये जो आदमी है, ये जो इंश्योर्ड है, या हम इसको इंश्योरेंस की भाषा में क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड, राइट? और इंश्योरेंस वाले को इंश्योरर। तो ये जो इंश्योर्ड व्यक्ति है यानी ये जो इंश्योर्ड है वो क्या करेगा, कंपनी ए, बी, सी और डी के पास से इसने प्रॉपर्टी ली। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसकी यही है कि सब्जेक्ट मैटर्स यानी कि जो भी वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस ले रहा है वो एक ही चीज़ की रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसने बाइक की ली तो सबके पास से वो सेम बाइक की ही लेना चाहिए, यह फर्स्ट है। आगे हम उसकी और भी कंडीशंस देख लेंगे। और ये क्या करेगा, इसने अभी ये जो चारों के पास से इंश्योरेंस लिया हुआ है और अभी इसका अचानक ये बाइक में लॉस हो जाता है। अभी एक बाइक महंगी थी, 1.5 लाख की बाइक थी, तो इसमें अभी इसका 50,000 का क्या हुआ, इसका खर्चा है, इसका क्या हुआ, इस बाइक में 50K का खर्चा है, 50,000 का इसका खर्चा है। तो क्या ये कंपनी ए के पास से भी 50,000 लेगा, कंपनी बी के पास से भी, कंपनी सी और कंपनी डी, क्या सबके पास से 50,000 लेगा? जी नहीं दोस्तों, सबके पास से वो 50,000 ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको मालूम ही रहेगा कि इंश्योरेंस जो है वो क्या है, इंश्योरेंस जो है वो, एक मिनट, यस, सो जो ये इंश्योरेंस है वो क्या है, रिस्क शेयर करने के लिए, ये कोई प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। इंश्योरेंस क्या है, रिस्क शेयर करने के लिए, या कोई प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारा जो रिस्क है वो दूसरों इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रहे हम कि अगर आपका बाइक में नुकसान हो तो सबके पास से आप 50,000 रुपीस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है कि रिस्क शेयर करना है, इंश्योरेंस का मीनिंग ही है कि रिस्क को शेयर करना। तो यहाँ पे आपका जो भी लॉस हुआ है
वो क्या करेगा, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी कंट्रीब्यूट करेंगे, और सब मिला के कितने देंगे, 50,000 रुपीज़ सब लोग मिला के देने वाले, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी 50,000 नहीं देगी। अभी ये कैसे मिला के देगी, क्या देगी, ये हम आगे वीडियो में समझ लेंगे। तो आपको क्लियर हो गया रहेगा कि जितनी भी पॉलिसीज है वो सब थोड़ा थोड़ा रुपीस जमा करके सामने वाले पर्सन का लॉस कवर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अभी हम देख लेते हैं इसमें यह डेफिनेशन और मीनिंग इसका पर्टिकुलर क्या है। तो देखिए, पहले ये बोलता है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस है सब टाइप में ये कवर होएगा, बट ये किस में कवर नहीं होएगा, ये लाइफ इंश्योरेंस में कवर होने वाला नहीं है। क्यों लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होएगा, तो दोस्तों आप ही बताओ, आपकी लाइफ की कोई कीमत है क्या? कोई बोलेगा मैं तो दे 1,00,000 रुपए दो खुद को मार दे, मार देगा क्या? नहीं मारेगा ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप अगर जिंदा रहे तो कितने भी रुपए तो हम कितने भी बना लेंगे, बट आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई भी मॉनिटरी टर्म में या फिर कोई भी टर्म में आपकी लाइफ की वैल्यू काउंट नहीं कर सकता, राइट। तो ये सब में अवेलेबल है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ये अवेलेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, वेयर एन इंश्योरेंस गेट द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, कार, बाइक, हाउस प्रॉपर्टी, कोई गोडाउन, कोई फैक्ट्री, कुछ भी हो, उसको जब वो इंश्योर्ड कराता है मोर देन वन इंश्योरर, यानी एक से ज़्यादा इंश्योरर के पास, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा इंश्योरर के पास वो क्या कराता है, इंश्योर्ड करवाता है, और अगर उसका लॉस होता है, वो प्रॉपर्टी में क्या होता है, लॉस होता है, तो वो क्या करेगा, सब जो जो जिसके पास से भी उसने इंश्योरेंस करवाया रहेगा वो सब क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में, और उसको क्या करेंगे, एश्योर्ड करेंगे, सम एश्योर्ड, जो भी उसका प्रोपोर्शनेट सम एश्योर्ड रेशियो रहेगा उसमें क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये भी कैसे करेंगे वो भी हम आगे देख लेंगे। उसके बाद ये अभी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको जैसी दी गई है वैसी लिखनी पड़ती है एग्जाम में, क्योंकि आपको मालूम ही रहेगा डेफिनेशन जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपको क्या इजी डेफिनेशन याद रखने का तरीका मिलता रहता है इस चैनल पे, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी डेफिनेशन हो लाइफ में उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो और पॉइंट वाइज उसको याद करो, तो आपको इजीली याद रह जाएगा, और फिर वो सब पॉइंट्स को जोड़ दो तो सिंपली डेफिनेशन वैसे की वैसी रहेगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप क्या करेंगे इजीली उसको याद भी रख पाओगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन मुंबई, ये क्या है, एक नाम है फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन जो मुंबई में है, वो क्या बोलता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एक राइट है किसका, इंश्योरर का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन इज एन राइट ऑफ एन इंश्योरेंस हु हैज पेड अ लॉस अंडर अ प्रॉपर्टी पॉलिसी, सॉरी। तो क्या करता है, जिसने लॉस पे किया एक पॉलिसी में उसको क्या एक राइट है टू रिकवर एज अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम अदर इंश्योरर हु इज लायबल फॉर द लॉस। कोई भी दूसरे अदर इंश्योरर है जो लायबल है लॉस के लिए, उसके पास से कवर कर सकता है वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस, राइट। तो हम इसको शॉर्ट में समझे तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर, यानी कि जो भी इंश्योरर है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन एक राइट है और वो जो भी लॉस पे करता है पर्टिकुलर इंश्योर्ड को, उसको क्या करेगा, वो रिकवर कर सकता है बाकी इंश्योरर के पास से, अगर उसने डबल एक से ज़्यादा पॉलिसी ली हुई है तो, राइट। और ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल यानी वो भी इक्वल, यानी ऐसा नहीं कि 10,000 में और दो इंश्योरेंस है तो 5,000, ऐसा नहीं होता है, वो सम एश्योर्ड पे भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पे इक्वली होएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला से इक्वली डिसाइड हो जाएगा और उसके हिसाब से ही करेंगे, वो भी हम आगे देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने वही समझाया है कि वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी बहुत सिंपल कंडीशन है, अभी हम दो मिनट में इसकी कंडीशंस देख लेंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट है कि जो भी इंश्योर्ड है मस्ट बी सेम इंडिविजुअल, तो जो भी वो जिसने भी इंश्योरेंस लिया था वो खुद ही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं हो सकता, राइट, उसको खुद को ही होना पड़ेगा उस समय। ऑल द पॉलिसी मस्ट कवर सेम पेरिल्स, यानी पेरिल्स क्या है यहाँ पे, कि जो जो पॉलिसीज में लिखा हुआ था वो सेम यहाँ पे कवर होना चाहिए, यानी कि अगर आपने बोला है कि पॉलिसीज में फायर के कारण अगर आपको हुआ, फायर के कारण कोई भी नुकसान हुआ तो आपको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा, बट आपका अर्थक्वेक के बेस्ट पे कोई नुकसान हुआ है तो क्या आपको क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी में क्या बोला था, फायर के कारण, तो फायर से ही आपको मिलेगा। तो सेम पेरिल्स होने चाहिए, सेम सिचुएशंस होनी चाहिए, सेम कंडीशंस होनी चाहिए। द एक्सपेक्टेड रिस्क अगेंस्ट द सब्जेक्ट मैटर शुड ऑल्सो बी द सेम, और जो रिस्क एक्सेप्टेड था वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
सब पॉलिसी में, ऑल पॉलिसी मस्ट बी इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ लॉस, और जो जो पॉलिसी ली हुई है सब पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, वर्केबल होनी चाहिए, सब पॉलिसीज चालू होनी चाहिए उस समय। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट एट द टाइम, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। हमने फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे, अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इंश्योरेबल इंटरेस्ट का भी वीडियो देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दूँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ आप इंश्योरेंस लेते हो वहाँ पे उसमें आपका क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। डिटेल वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पे आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है द पॉलिसी शुड बी लीगली एम्फोर्सेबल, यानी कि लीगली एम्फोर्सेबल यानी कि एम्फोर्सेबल लागू होनी चाहिए, लीगली लागू होनी चाहिए वो पॉलिसी जो है वो। द प्रिंसिपल इज एन ऑपरेटिव इन इंडेमिनिटी इंश्योरेंस ओनली, अभी ये किस में काम करता है, तो सिर्फ इंडेमिनिटी प्रिंसिपल में ये काम करता है। अभी ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या है, तो इसका भी मैंने फुल डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, वो भी आप आई बटन में जाके देख सकते हो, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या है। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है वो भी लाइफ इंश्योरेंस में काम नहीं करती है, और ये भी लाइफ इंश्योरेंस में काम नहीं करती है। कॉन्ट्रीब्यूशन भी लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होती है, और इंडेमिनिटी भी लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सिमिलरली क्या है दोस्तों, कि ये जो प्रिंसिपल है वो ऑपरेटिव किस में, इंडेमिनिटी इंश्योरेंस में ही ऑपरेटिव है, यानी कि इंडेमिनिटी का जो इंश्योरेंस है वो एप्लीकेबल होना ही चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो इंडेमिनिटी क्या है, तो जो भी लॉस है वो आप बाद में जो कवर करके जो इंश्योर्ड है यानी कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसको सेम पोजीशन पे लेके आते हैं इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर, उसको बोलते हैं इंडेमिनिटी, राइट। तो आप डिटेल में देख लेना, शॉर्ट में बोले तो इंडेमिनिटी यानी मेक द गुड लॉस, यानी जो भी लॉस हुआ है उसको क्या करना, अच्छा कर देना, वापिस गुड कर देना। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, और ये डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में भी काम करता है। डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, उसमें आपको मीनिंग से लेकर सब पॉइंट्स उसमें मालूम हो जाएंगे कि डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या है, डिटेल्ड वीडियो है, आप वो भी जाके देख सकते हो। द कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इन प्रोपोर्शनेट टू टोटल लायबिलिटी, अभी ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको क्या करेंगे, जो टोटल लॉस हुआ है लायबिलिटी यानी क्या लॉस हुआ है उसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कुछ 9 पॉइंट थे जो बहुत इजी थे, बहुत आसान थे, आप इसको इजीली समझ सकते हो। और जो जो वीडियोस अभी आपने नहीं देखे और रिलेटेड वीडियोस देख लो, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जितने भी है सब मेरे चैनल पे कवर्ड है, तो आपको सब यानी सब आपको क्लियर होने चाहिए। कभी भी कोई भी पूछे ये प्रिंसिपल क्या है, तो उसको आप 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दो, एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आप उसको ऐसा एक्सप्लेन कर दो कि आप वो समझ जाए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। हमारा एम ही वही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना रट्टा तो सब मार लेते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा तो आप कहीं उसको यूज़ कर पाओगे। अभी देखिए इस कैलकुलेट कैसे होता है, अब तक मैं बोल रहा था ना कि प्रोपोर्शनेट, तो ये कैसे प्रोपोर्शनेट रेशियो में कैलकुलेट करते हैं ये हम देखेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, कि सम एश्योर्ड है, जो भी सम एश्योर्ड है इंडिविजुअल का, यानी वो कैसे वो हम एग्जांपल में समझेंगे, ये सिर्फ फॉर्मूला है कि सम एश्योर्ड विद इंडिविजुअल इंश्योरर, यानी कि एक पर्टिकुलर इंश्योरर के साथ जो भी सम एश्योर्ड है, और टोटल यानी कि जितनी भी पॉलिसी है उनका टोटल जो सम एश्योर्ड है इन उसको डिवाइड कर देंगे, और इनटू टोटल लॉस, यानी कि सम एश्योर्ड इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय द टोटल सम एश्योर्ड। ये कैसे ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंश्योरेंस इज बिल्डिंग अगेंस्ट फायर विथ 3 फायर इंश्योरेंस कंपनीज, अभी क्या करते हैं वो एक बिल्डिंग है उसमें फायर इंश्योरेंस लेता है 3 कंपनी के पास से, एक्स वाई और जेड, कितने कितने रुपीज़ का, तो एक्स वाले के पास से वो कितना सम एश्योर्ड लेता है 30,000 का, बी के पास से 40,000 का, और सी के पास से भी 30,000 का। अभी फायर लग गया उसके जो बिल्डिंग था उसमें क्या हुआ, फायर लग गया, पर्टिकुलर जब वो पॉलिसी चालू थी तभी फायर लग गया, क्योंकि एक्सपायर हो गई रहती तो यूज़ में नहीं आता, और हर आपको मालूम रहेगा हर साल के बाद ये पॉलिसी आपको क्या करवानी पड़ती है, रिन्यू करवानी पड़ती है जब नॉन लाइफ पॉलिसीज हो तब, वरना लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको लॉन्ग टर्म भी मिलती है। तो अभी वो जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 60,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 30,000, 40,000 और 30,000 इतनी 3 कंपनी के पास से ऐसे इंश्योरेंस लिया हुआ था, और 60,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अभी ये जो डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि सम एश्योर्ड इंडिविजुअल इंश्योर, राइट। तो इंडिविजुअल इंश्योरर यानी इसके पास से 30,000 का था, इसके पास से 40,000 का था, और इसके पास से भी
30,000 का था। तो क्या किया, जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी का जो भी सम एश्योर्ड था, जो आपको लास्ट में मिलने वाला है, एक्चुअल मिलने वाला है, वो इंटू टोटल लॉस कितना हुआ अपना 60,000, तो इंटू सिक्सटी थाउजेंड, राइट। यानी कि जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है इंटू दी जितना लॉस हुआ है वो डिवाइडेड बाय टोटल कितना हुआ, तो टोटल हम देखते हैं 30,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, यानी टोटल हुआ 1,00,000। तो जो भी पर्टिकुलर कंपनी का जो भी सम एश्योर्ड है ओ इंटू टोटल लॉस हुआ है ओ डिवाइडेड बाय दी टोटल सम एश्योर्ड, और इसका जो पर्टिकुलर आंसर मिलेगा यहाँ पे 18,000, 24,000 और 18,000, ये पर्टिकुलर क्या होएगा, पर्टिकुलर कंपनी आपको पे करेगी, यानी क्लेम में आपको ये सब इतना अमाउंट मिलेगा। तो कंपनी एक्स के पास से 18,000, कंपनी वाई के पास से 24,000 और कंपनी जेड के पास से भी 18,000। तो ऐसे वो लोग डिवाइड कर लेते, कंट्रीब्यूट कर लेते। तो अभी आपको सिंपली समझ में आ गया रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का। अगर कोई भी डाउट हो तो बिंदास आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्सअप बटन प्रेस करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस बनाने में यार मज़ा आता है, आपको मोटिवेट, मुझे भी मोटिवेट होएगा और आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए तो शेयर करने में क्या बुराई है, बराबर ना। तो उसी तरह अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ये मैं लाके आता हूँ। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहते हो तो पेपर सॉल्यूशन और ऐसे भी आपको वीडियोस देखने को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब टाइप के वीडियोस आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कभी भी किसी भी वक्त पे, और आपका नॉलेज भी एनहेंस करेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी वीडियोस अगर आपको और चाहिए कोई भी टॉपिक पे तो भी आप कमेंट करें, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट वे में उसको प्रोवाइड कर सकूं पॉइंट वाइज, क्योंकि ये चैनल में आपको पॉइंट वाइज मिलेगा जिससे आप इजीली याद रख सको, क्योंकि ऐसे तो सब बता देते हैं बट वो याद नहीं रहता है ना। तो लिखा हुआ भी थोड़ा बहुत रहेगा तो आपको क्या, एग्जाम में एंड टाइम पे भी रहेगा तो आप क्या करोगे उसको इजीली लिख पाओगे अगर आपको पॉइंट्स वाइज कोई भी दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज, क्योंकि जनरल नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और आखिर में थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक दबाते जाओ, थैंक यू।